स्पोट्रा में खसरा रुबैला अभियान के तहत स्कूली बच्चों को टीके लगाए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केशव मीना ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोरपुरा और झाड़ोदा में खसरा रुबैला अभियान के तहत 9 साल से 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबैला के टीके लगाए गए। साथ ही बच्चों को टीकाकरण कार्ड भी वितरित किए गए। बिजनौर में एक पति अपनी बीवी को एक महीने से दर दर की ठोकरें खाकर ढूंढ रहा है, मगर वो नहीं मिल पा रही। अब पीड़ित ने बिजनौर SP संजीव त्यागी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी घरवाली पिछले महीने की 25 तारीख को घर से फरार हो गई है और उसमें मैंने बहुत छानबीन करी है, उसका कहीं पता नहीं लगा और पुलिस भी छानबीन कर रही है। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और थाने में गुमशुदगी की मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस भी अपना छानबीन कर रही है। पता नहीं लगा अभी तक, कोई पता नहीं लगा। और बताओ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मिल जाओ अपना जाती। अब बता रहे थे कि आपने साले ने मुकदमा कर दिया और मेरे साले ने मेरे को उल्टा मुकदमा कर दिया है। 5 लाख रुपए मैंने दहेज मांग रहा था लड़का, बुलेट गाड़ी मांग रहा। क्या चाहते हो? जी बस मैं कोई दिक्कत ना हो ले जिंदगी। मुरादाबाद के ब्लॉक मूढ़ा पांडे क्षेत्र के गांव अफजलपुर में सफाई कर्मचारी तैनात है, लेकिन सफाई करने के लिए गांव में कभी नहीं आते। बता दें कि सरकार से हजारों रुपए का वेतन पाने वाले सफाई कर्मचारी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। वहीं महेशपुर भीला में भी यही हाल है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सफाई कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन शराब के नशे में हमेशा धुत रहते हैं और गांव के अंदर कभी भी सफाई नहीं करते। भीला। अच्छा, यहाँ सफाई कर्मचारी आता नहीं आता? आता है, पर आता महीना में, डेढ़ महीना में, दो महीना में। अच्छा, ये गंदगी हुई पड़ी है सब? हाँ जी। तो सफाई नहीं होती इसकी? इसकी सफाई मुश्किल से करता है। आपके गली में हुई? आपके हमारी गली में नहीं करता है बिल्कुल। स्कूल का सफाई? स्कूल के आगे उधर के उधर जाने, हमारे तो दक्कन में है, हम तो इधर नहीं आता है। इधर कम आता है, कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। महीने में कितनी बार आता है? महीने में डेढ़ महीने में। अच्छा, दो महीने में, तीन महीने में एक आध बार आता है बस। हाँ। क्या नाम है आपका? शकुंतला। गांव कौन सा है? भीला महेशपुर। भीला महेशपुर, ठीक। नाम है आविद अली जी। मैं ग्राम अफजलपुर भारपुर रहने वाला हूँ। हमारे गांव की नाली जो है टूटी फूटी पड़ी है, इस तरह बीमारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है और मतलब हम खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं। यहाँ अपने सफाई कर्मी को कमी है, कोई यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं है। यहाँ जो सफाई उफाई कराते हैं वो प्रधान कराते हैं। हमारे यहाँ तो सफाई कर्मियों की ज़रूरत है, हमारे बच्चे बीमार रहते हैं इससे। हम अपने बच्चों का इलाज करें, खेती बाड़ी को देखें, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, एक सरकार का नारा है स्वास्थ्य भारत अभियान, उसके उसमें क्या कहना चाहोगे आप? सफाई कर्मी हो अपने काम को अपने आप समेटेंगे। प्रधान साहब सफाई कराते हैं अपने? प्रधान कराना है, प्रधान भी कहाँ तक कराएंगे फिर? अपने पास से करा रहे हैं वो। कितने गांव लगते हैं इसमें? इसे 5। सफाई कर्मचारी कितने मालूम है आपको? सफाई एक भी ना, कोई सफाई कर्मी कोई ना। रोड पर जो पानी आ रहा है क्यों आ रहा है? सफाई की वजह से आ रहा, सफाई ना, गंदगी वजह से। मध्य प्रदेश सरकार को नर्सिंग छात्रों की चेतावनी है कि आज नर्सिंग छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कल नर्सिंग छात्रों का विकराल रूप देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से नर्सिंग छात्र शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन का एक भी प्रतिनिधि उनके बीच उनकी समस्याओं को सुनने नहीं पहुँचा। हाँ, क्या नाम है आपका? कल आप कहाँ गए थे? काय के लिए गए थे वहाँ? स्वास्थ्य मंत्री से मिलने। कौन स्वास्थ्य मंत्री? क्या नाम है उनका? समस्या लेके उनके पास गए थे। क्या नाम है उनका? तुलसी शुक्ला जी। हाँ, फिर? फिर उसने किसी अपने पीएल काउंसलर से शायद बात किया था। किससे? शुक्ला से बात किया था उसने। उन्होंने पता नहीं उसने कॉल पे क्या कहा, जिस इधर से मंत्री जी सॉरी कहने लगे और फिर हम चले आए थे। आश्वासन दे दिया, फिर हम लोग वहाँ से चले आए। आश्वासन क्या दिया आपको? बस यही कि जो सब देते हैं मंत्री जी। आपसे यहाँ मिलने आए थे? पंडाल में नहीं आए? पहले उनका आने का था? नहीं, वो आने का था। पहले आने का था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम शाम तक देखते हैं फिर चले गए। थैंक यू।
बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत मीठड़ा में मनरेगा में जेसीबी और ट्रैक्टर से काम करवाकर अपने चहेते लोगों का नाम मस्ट्रोल भरकर बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है और गरीब लोगों का आवेदन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि इसकी शिकायत जिला स्तरीय जनसुनवाई में भी की गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला प्रशासनिक तक साठ घाट के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कावड़ शिविर में सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग की लपेट इतनी ऊंची थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सर, बेगमपुर चौराहे पर एक शिविर में आग लगी थी, क्या मामला? हाँ, ये जीरो माइल और बेगमपुर के बीच में जो लाल कुर्ती वाली साइड है, उस साइड में एक शिविर था, तो एक सिलेंडर में कुछ लीकेज हुआ, किसी कारण से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड मौके पर आई, एसपी ट्रैफिक साहब आ गए थे, मैं हम आ गए थे, आग जो है बुझा दी गई। कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, ना किसी को चोट आई है। अब उस समय तक कावड़ रोक दिए गए थे कुछ एक दो मिनट के लिए सुरक्षा की दृष्टि से। अब स्थिति सामान्य है, आवागमन सामान्य चल रहा है। भाजपा विधायक संगीत सोम ने सदन में आजम खान द्वारा की गई अश्लील टिप्पणी पर कहा कि आजम खान पैदाइशी विवादित हैं, वो हर काम विवादित ही करते हैं। संगीत सोम ने यह भी कहा कि आजम खान भू माफिया गुंडे और 420 हैं। बयान देते हैं और विवादित बयान ही नहीं देते, वो हर काम विवादित करते हैं। वो भू माफिया भी हैं, वो गुंडे भी हैं, वो 420 भी हैं, वो सारे हरकतें उनके अंदर हैं। और हिंदुस्तान में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप बहन बेटी की तरफ को गलत इशारे से या गलत तरीके से नजरें गड़ाएं। आपको ये